सनातन धर्म की तो हमने बहुत ग्रंथ पढ़े उपनिषद देखे संतों का संग किया और जीवन में जो बना साधना की फिर भी कई बातें किस समय ख्याल में आती हैं जो पढ़ते समय नहीं आती सुनते समय नहीं आती आज एक बेटी ने सुबह प्रश्न किया कि सब में मेरे को देखकर सबको देखकर सबको सब को याद कर मुझे उतना अच्छा उतना आनंद क्यों नहीं रहता और ये लगभग सबको ही है तो एक उदाहरण मैंने अपना दिया कितने बार मैंने सभा में भी बोला और अभी कल परसों कहा था कि गुरुदेव की आरती का आनंद एकांत एक में बिना आरती के मुझे आया रोज आता होता तो वही क्यों बताऊं? इसका मतलब रोज मन की दशा एक जैसी नहीं रहती उतना सात्विक मन नहीं रहता तो विशेष करके आज ध्यान गीता पर गया जो उस बेटी को मैंने बताया श्लोक पूरा याद नहीं भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस किस रूप में किस किस भाव में तुम मेरा ध्यान कर सकते हो केसुकेशु चावेश चिंतो सिमाया मैं किन किन रूपों में देखा जा सकता किन किन रूपों में मुझे तुम देखो तो पहले विभूति योग सब जगह क्यों नहीं कह दिया तो दूसरी बात एक प्रकरण में कह दूं, मुझे अपने अनुभव में गर्व है लेकिन मैं एक बात अनुभव करता हूं कि मैं आचार्य नहीं हूं गुरु नहीं हूं क्यों गुरु केवल अपने स्तर की बात नहीं करता गुरु वो होता है जो साधक के स्तर की बात करता है जरा ध्यान देंगे हम लोग तो उन लोगों में हैं कि आज मुझे ब्रह्म ही ब्रह्म की भावना है तो मैं वही बताए जा रहा हूं मुझे आत्मज्ञान का लाभ मिला तो मैं आत्मज्ञान की ही बात बता रहा हूं इस साधक को क्या चाहिए वो मुझे पता ही नहीं मैं उसके स्तर को सोचता ही नहीं भगवान कृष्ण साधक के अलग अलग स्तरों के हिसाब से बताते हैं और कई पद्धतियां बताते हैं हमको एक पद्धति ही तत्व चिंतन की आती वही बताते रहते और यही एक समस्या है कि आप मेरे पास बैठे तो आपको बहुत अच्छा लगा आप ही दूसरे के पास बैठे हो अच्छा नहीं लगा क्योंकि जितना मेरे लिए आपका मन श्रद्धा रखता है या आपकी समझ में मैं जितना अच्छा हूं सब आपकी समझ में उतने अच्छे नहीं है जितनी श्रद्धा से हम किसी एक को प्रणाम कर सकते हैं उतनी श्रद्धा से हम दूसरे को नहीं कर सकते और करेंगे तो यह उसकी खूबी नहीं है फिर ये आपकी दृष्टि की खूबी है वेदांती जब सब में परमात्मा देखता है तो तत्व तो दृष्टि से देखता है और जब एक सामान्य व्यक्ति किसी को परमात्मा देखता है तो उसकी विशेषता के कारण देखता है आप किसी पर श्रद्धा करते हैं ये आपकी खूबी कम है उस व्यक्ति की खूबी है कि आपकी उस पर श्रद्धा हो जाती है और एक वैश्या को आपके आप, आप चरण छूकर नमस्कार करते हैं ये वैश्य की खूबी नहीं है ये आपकी खूबी है एक सती योगी यति के पास आपका मन अच्छा हो जाता है ये उसकी खूबी है नहीं ये उनकी खूबी है जिनके पास आपका मन अच्छा हो जाता है और गंदे व्यक्ति के पास भी आपका मन नहीं बिगड़ता ये उसकी खूबी नहीं है ये आपके मन की खूबी है तो जब तक जीवन है जहां जगत के श्रेष्ठत्व का महत्व है वहां आपके मन की स्तर का भी महत्व है जब हम तत्व दृष्टि से ब्रह्म ही ब्रह्म कहते हैं वह सदा संभव नहीं है आपको कोई गाली दे रहा है और आप हाथ जोड़कर आनंदित हो ये तो साक्षात ब्रह्म है ये उसकी खूबी नहीं है कोई पाकिस्तानियों के प्रति नफरत नहीं करे तो ये पाकिस्तान की विशेषता नहीं है ये तुम्हारे हृदय की पवित्रता और सरलता है कि उस शैतान को भी आप अच्छा कहो जो देश में उपद्रव करते हैं उनको भी आप बुरा ना समझो या तो बेवकूफ हो या महान हो कहा अब आपका मन किसी दुष्ट के लिए अच्छा नहीं रह पाता तो ये तो हम कह सकते हैं कि अभी भी मन की उच्चता की कमी हो सकती है पर यह भी सच्चाई है कि वो दुष्ट है कब तक आप उसको अच्छा देखोगे राम को युद्ध करना पड़ा दशम गुरु जी को युद्ध करना पड़ा जिन्होंने पहले गुरु जी को जेल में डाला उनको अपन महान कहेंगे क्या तो व्यवहारिक रूप में जो जैसा है वैसा देखना इसलिए एक और भी याद रखें भावाद्वैतम सदा कुरियात उस बेटी को यह भी मैंने कहा कि ध्यान और चिंतन के समय सबको भगवान देखो क्योंकि कुछ करने नहीं जा रहे किससे मिलने नहीं जा रहे किस देने नहीं जा रहे ध्यान में सब आपके लिए बराबर हैं सब ब्रह्म रूप हैं किसी से ईर्षा ना हो द्वेष ना हो मन बिगड़े नहीं पर जब व्यवहार में आए आपको दो रुपया देना है तो देखना चाहिए किसे दे रहे हो पियक्कड़ को तो नहीं दे रहे ये दो रुपये कभी एक फुक्की लगा लेगा जब आप शाभाषी दो तो देखो किसी चोर डकैत को तो नहीं शाभाशी दे रहे धन्यवाद दे रहे ध्यान के समय सबके प्रति ब्रह्म भाव करना अलग विषय है इसलिए भावतम सदा कुरिया भाव का तो अद्वैत करो चिंतन के समय ब्रह्म के शिवा कुछ ना देखो जब आप ध्यान भजन में बैठो ईश्वर में जगत को देखो मन बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं और एकांत बैठे हो यहां जलने की क्या जरूरत सारी सृष्टि के प्रति ब्रह्म भाव करके अपने चित्त में परम आनंद का अनुभव करो पर जब व्यवहार में जाओ एक छोटी सात पांच वर्ष की बच्ची को लेके बलात्कार करता है तुम तो उसे दंडवत करोगे सिया राम देखोगे क्या देखना चाहिए तो व्यवहार और परमार्श को तुम मिला देते हो खिचड़ी बना देते हो फिर आपके अंदर होता है सबके प्रति ब्रह्म भाव क्यों नहीं रहता हां यदि बिना किसी गड़बड़ी के तुम्हारा ब्रह्म भाव उनके प्रति नहीं है तो साधना बढ़ाओ और चिंतन मजबूत करो और मन को पवित्र रखो किसी नारी या नर के प्रति आप में काम आता है तो आप मन को शुद्ध करो अब एक गलत ढंग से कपड़ा पहन ओढ़ के तुम्हें एकांत में छेड़े तो तुम्हें काम आ जावे तो आश्चर्य क्या है बड़े बड़े ऋषि गिरे हैं जब ऐसा भोड़ा प्रदर्शन सामने से होगा ऐसे सामने से एक्शन होंगे तो भले आदमी का मन बिगड़ जाएगा और वहाँ नहीं बिगड़ता तो फिर तुम सदा समाधि में ही हो यदि कोई तुम्हें गाली देता है मारता है तब भी आपको उसके प्रति द्वेष नहीं होता तो ये तो बहुत परमहंस जड़ भरत की पालकी में भी लग गए अपन तो ऐसा नहीं है हाँ उसकी मजबूरी हो जाए तो हम उसको उठाएंगे कुर्सी उठाएंगे खाट उठाएंगे उसको कंधे पे ला देंगे चोट लग गई तो हॉस्पिटल ले जाएंगे पर एक राजा कहे मैं पालकी पर बैठा हूं स्वामी परमानंद लग जाओ तो हम कहेंगे तू कौन है इस रावण के कंधे पर हम लग जाए तो व्यवहारिक द्वैत को भी समझे कई बार जब हम वेदांत बोलते हैं तो लोग एक बात पकड़ लेते हैं इसीलिए आज पहले बार हमें गीता के इस बातों की तरफ ध्यान गया कि किन किन रूपों में मैं आपका ध्यान करूं किन किन रूपों में मैं भगवान का स्मरण करूं वहां गंदी किसी चीज का नाम नहीं लिया ये उन्होंने नहीं कहा सब में मेरा ध्यान करो क्योंकि जिसको बता रहे हैं उसके लिए क्या अभी उपयुक्त है इसीलिए हम कहेंगे राम भगवान का ध्यान करो कृष्ण भगवान का करो अपने गुरुदेव का ध्यान करो हृदय में गुरुगंज साहब का रूप बिठाओ और जब और अधिक होगा तो हम कहेंगे वाणी का चिंतन करो भगवान क्या है ये सोचना शुरू करो क्या भगवान एक रूप ही है क्या तो रूप के सकल के रूप में राम का ध्यान करो पर बिना शकल के सब में उसका ध्यान करो निरंकार के रूप में ब्रह्म के रूप में तो सबको देखो और फिर ध्यान के समय तुम और कुछ देखकर अपना खून क्यों जलाते हो अपने मन को खराब क्यों करते हो जिस शकल को आप सामने लाओगे उस तरह के विचार बन जाएंगे बैरी की शकल मन में आएगी तो बैर पैदा होगा अपोजिट की आएगी तो काम पैदा होगा साप आदि की आएगी तो भय पैदा होगा तो ध्यान के समय ब्रह्म के अतिरिक्त शाप, बिच्छू आदमी औरत नहीं, सभी रूपों का बाध करके सब नाम रूपों का बाध करके अनाम और अरूप जो एक चिन्ह मात्र है उसका ध्यान करो अब ये भी करना है तो करो करना ही ना आएगा कहें भी की नाम रूप का बात करके सब में देखो और ये उपासना करने वालों को देखने की सामर्थ्य आ जाती है कैसे आ जाती है उपासकों के मन में भगवान की प्रतिमा के आगे थाली रखी कई तो पर्दा लगा देते हैं ना लगाएं तो आंख बंद कर ली और अब भगवान खा रहे भगवान भोग लगा रहे क्योंकि आंखें नहीं खोलो आंखें खोलोगे तो खाते नहीं दिखेंगे कोई धन्ना भगत होवे हाँ जिसके हाथ का जो खिला के छोड़े जबरदस्ती वो भी रहे होंगे पर मैं अपने स्तर की बात करता हूँ कि भाव बनाना है तो आंख बंद करके क्यों बन जाता है कि वो जो प्रत्यक्ष खाते हैं कि नहीं वो जो दिखता है वो नहीं दिखेगा तो भाव से खाता हुआ देख लो मैं सामने किसी को देखूं तो उसको मैं देवी देखूं बड़ा कठिन है सचमुच देवी भगवती हो तो, तो देखूं सबके प्रति अच्छी बुद्धि नहीं बनती तो आंख बंद करके सिया राम का ख्याल करना आंख खोलकर सिया राम भी देखना है पर यह मेरे बस की बात नहीं है हम तो आंख बंद करेंगे रूप मन में नहीं लाएंगे या आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो निर्विकारता लाएंगे खोलेंगे तो सामने वाले के अनुसार विचार हो जाएगा सामने दुश्मन है इसी तरह आंख बंद कर ली बंद करके किसी का पैर आपके किनारे लगा और आपको मालूम है कि यहां स्वामी जी अकेले हैं जो बीच में ध्यान में घूमते हैं अब पैर लगा आपके ध्यान में आया गुरु महाराज का पैर है अब आपको बुरा नहीं लगा और आंख खोल कर देखी लगा कि बेवकूफ को निकलते समय इतनी तमीज नहीं है लात मार के निकला तो ये जो मन में विचार उठते हैं वो हमारी धारणा दूसरे के व्यवहार से भी उठते हैं कोई बार बार बेवकूफी करता है तो मन में जलन होने लगती है एक बार बताया दो बार बताया तीन बार बताया तो ये मनुष्य के मन की सहज क्रियाएं हैं, पर ध्यान भजन और एकांत में सारी सृष्टि ख्याल से हटा देनी चाहिए या सारी सृष्टि ख्याल में आए पर उस सब में उस अधिष्ठान को देखना चाहिए जब पहनना हो बारात में शादी में जाना हो तो गहने का उपयोग शक्ल के अनुसार करना चाहिए जो जहां का गहना है पहनना चाहिए पर जब खरीदना या समझना है सोना धन इकट्ठा रखना है तो किसी शकल का हो अपने को तो सोना खरीद के रखना है अटके के लिए तो किसी शकल का हो उसमें शकल का कोई महत्व नहीं इसी तरह ध्यान क्या है परम धन इकट्ठा करना ध्यान में परम धन परम रस प्राप्त करना है दिव्य रस तो दिव्य रस स्त्री देख के नहीं आएगा उसमें काम रस आएगा दिव्य रस दुश्मन देख के नहीं आएगा इसलिए ध्यान में केवल परमात्मा है और सौ प्रतिशत परमात्मा है बिल्कुल ध्यान में जगत नाम की वस्तु ही नहीं है एक अधिष्ठान का ख्याल करना क्यों एक नूर ते हां सब जग एक चैतन्य से सब हुआ है चैतन्य ही माया से अनेक रूप बन गया जैसे मान लो एक योगी कई रूप बना ले या भगवान कृष्ण जब गायों की चोरी हो गई तब भगवान कृष्ण गाय बछड़े बन गए और सबके घरों में वैसे ही गायें गई वैसे ही बछड़े वैसे ही दूध वैसे ही रंग सब किसी को पता ही नहीं चला कि गायें चोरी हो गई वो गाय कौन बना था भगवान वो बछड़े कौन बना भगवान इसी तरह से जैसे योग बल से भगवान कृष्ण ने यह चमत्कार किया ऐसे ही अब परम योग परमात्मा से बड़ा योगी कौन है परमात्मा से बड़ा चमत्कार किसका है सब तो उनसे सीखे एक परमात्मा ही सब रूपों में खड़ा है अब ये देखना साधक का काम है संसारी तो जो दिखाई देगा वो देखेगा सब ने अपनी अपनी गायें और बछड़े देखा किसी ने नहीं देखा होगा कि कृष्ण वसड़ा बने हैं कृष्ण गाय बने हैं कृष्ण घर बनकर के रमाती हुई गाय घर आ रही है भगवान ने देखा तो हम जो भगवान बना देते हैं वो देखते हैं तुम्हारे अंदर काम था तो भगवान ने स्त्री बना दी तुम्हें लोभ था धन बना दिया पद बना दिया तुमको जो चाहिए भगवान ने बना दिया तुम वही देखोगे तुम्हें मोक्ष चाहिए तुम्हें भगवान अकेला देखना चाहिए तो गुरु मिला देंगे क्योंकि वो नजर गुरु देंगे जिनको केवल भगवान देखना है भगवान के सिवा कुछ नहीं देखना दिल से चाहते हो तो गुरु दिखाएंगे यदि तुम काम से मुक्त होना चाहते हो काम से तो अपोजिट नहीं देखो मुक्त होना चाहो तो कोई शराब ही शराब से मुक्त होना चाहता है तो संग त्याग कराएंगे शराब की बुराई बताएंगे तुम्हारे दिल में जम जाए छोड़ना चाहते हो छोड़ो अब तुम छोड़ना ही नहीं चाहते हो तो हम तुम्हें मौका ना देंगे कई बार नशेड़ियों को लोग कहते हैं स्वामी जी थोड़े दिन अपने पास रख लो तो ये तो ठीक है हमारे साथ रहेगा पर बाजार न जावे हमारे पास रहे तो कहां से पिएगा हमारे पास बैठे अब यदि वो छोड़ना चाहे तो हमारे पास रहने से मौके कम मिलेंगे रोज प्रवचन सुनेगा और पीना चाहे तो थोड़ी देर किसी बहाने से निकल जाएगा जहां मिलती है चला जाएगा लगाया आएगा एक चिलम उसको कौन बचाएगा जो समय निकालकर बुराई करना चाहता है उसको कोई नहीं बचाएगा जो किसी कारण ठेका दिख जाने से फंस जाता है तो वहां हम साथ ही जाएंगे ठेके के पास जब जाएगा हाँ तो अब हमारे पास जैसे ठेका प्रभावित करेगा तो हम साथ हैं हम भी तो प्रभावित करेंगे यदि किसी के प्रति काम आता है तो एकांत तो में मिलने न देंगे जब बाजार जाएंगे साथ चलेंगे तो क्या करेगा इतना तो तू नंगा नहीं है इतना तो निर्लज नहीं है कि हमारे सामने भी पिए इसलिए किसी विकार से बचने के लिए ऐसा व्यक्ति साथ होवे जिसके सामने तुम ना कर सको ना पी सको ना खा सको ये साधक के स्तर की बात है इसलिए मैंने कहा जब हम वेदांत सुनाते हैं तो हम अन्य बातों का ख्याल नहीं रखते कि तू नशेड़ी है नशेड़ी है तो वेदांत के पहले तू जो नशा नहीं पीते उनका साथ कर जिनके पास तू नहीं पिएगा उनका साथ कर जिनके सामने तुझे हिम्मत नहीं पड़ेगी उनके साथ रह और उनके साथ न रह जो पीते हैं उसके लिए यह उपाय है अब यहां सब क्लास के बच्चे आ गए सम्मेलन माने सब क्लास के बच्चे यद्यपि पूज्य निर्मल जी महाराज की बड़ी महानता थी कि इसका नाम उन्होंने खिचड़ी सम्मेलन नहीं रखा या भक्तियोग वेदांत सम्मेलन भी नहीं रखा अनेक सर्वधर्म सम्मेलन भी नाम नहीं रखा सर्व साधना योग भी नहीं केवल वेदांत साधन जो अन्य चीजें देखना ही नहीं चाहते जो औरत नहीं देखना चाहते दुश्मन नहीं देखना चाहते फिर भी दिख जाता है आदत बस उनके लिए वेदांत सम्मेलन जो जगत ही पसंद करते हैं देह ही बनना चाहते हैं देह ही वाली चीजें ढूंढते हैं उनको उनको वेदांत बेकार है इसलिए जो अंतकाल में उन्हीं का स्मरण करते हैं उन्हें मरने के बाद ब्रह्म मिलेगा जो अंत काल में स्त्री को सुमिरन करते गए भगवान इतने निर्दयी तो नहीं कि तुम्हें स्त्री के रूप में न मिले मिल जाएंगे भगवान तो उसी शक्ल में मिलेंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है जब तुमको निरावृत परमात्मा किसी रूप में नहीं निरावृत आवरण रहित सत्य जब तुम देखना चाहो स्त्री नहीं दुश्मन नहीं मजहबी नहीं एक परमात्मा जब देखने की तुम्हें इच्छा हो तो वेदांत सुनो ये तरीका है अब आज की इस कथा से ये मैं बताता हूं कि हमारे भी आ, प्रवचनों में सब कुछ रोज नहीं आता कोई जो विषय छिड़ गया अब वो बेटी ने पूछा तो आज ध्यान गया मुझे गीता इतने दिन पढ़ा कभी ध्यान नहीं जाता था भगवान कहते मेरे को सूर्य में देख मेरे को इसमें मेरे को उसमें ये, ये मैंने कहा सारी दुनिया में इनमें क्यों देखे वो इसलिए कि हमारी क्षमता के अनुसार इनमें तुमको जल्दी भगवत बुद्धि बन जाएगी इनमें दिव्य भाव जल्दी बन जाएगा सब में नहीं बनेगा भगवान ने कहा इंद्रिया नाम इंद्रियों में मन में हूं बस वहां तो मुझे जल्दी ख्याल कर जैसे आर्य समाज कहता है तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान पहले मन के मंदिर में भगवान इसका यह मतलब नहीं है बाकी जगह नहीं है और राम को भगवान देखो इसका ये मतलब नहीं है और किसी को ना देखो और को तुम देख ही ना पाओगे और को भगवान देखना आसान है क्या पहले गुरु महाराज को देख लो पूज आजकल तो इतने उदंड गुरु में भी श्रद्धा नहीं देखना था, था कि तुम जब ब्रह्म हो जाओ तो ब्रह्म के सिवा किसी को कुछ ना देखो तो आज का ज्ञान गुरु को भी ब्रह्म ना देखो उसे भी ऐसे ही समझो अहंकार जब ब्रह्म होता है ना अहंकार जब ब्रह्म अहंकार ब्रह्म हो जाता है तो गड़बड़ है आ, कहीं कहीं ब्रह्म अहंकार होता है कहीं अहंकार ब्रह्म होता है जब अहंकार के रूप में तुम ब्रह्म होते हो तो तुम अकेले होते हो बाकी सारी दुनिया कूड़ा कचरा होती है पर जब कोई सचमुच ब्रह्म होता है तब तो फिर जो भी होता है ब्रह्म ही ब्रह्म होता है इतनी श्रद्धा इतना प्यार इतना भाव कि सामने परमात्मा है पहले भी कभी कभी इशारा किया कि ब्रह्म को सब में कैसे देखना आवश्यकता है तो हनुमान जी के प्रकरण में ऐसा आता है निज प्रभुमय देखें जगत अपने प्रभु में जगत देखें किससे विरोध करें एक दिन और कहा था एक दोहा है कि मेरे अलावा कोई नहीं मैं किसको प्रणाम करूं तब तो मेरे अलावा कोई नहीं तुम्हें कोई प्रणाम क्यों करे नहीं ख्याल आता कि मेरे सिवा कोई नहीं है इनसे प्रणाम की सा क्यों इनसे सम्मान की सा क्यों उनको अटकी हो तेरा सम्मान करे तेरे को क्यों अटकी है तो प्रणाम कराने के लिए तो द्वैत है ये दूसरा है मेरे को छुए पर गुरु और मंदिर भी और कोई नहीं है मेरा ही आत्मा है फिर मैं क्या गुरु को नमस्कार करूं तर्क बहुत विचित्र है खोपड़ी है कहीं ना कहीं अहंकार काम करता है व्यक्ति अंदर बैठा है व्यक्ति से ऊपर उठते परमात्मा है इसलिए जब तक मेरा जरा भी अहंकार है तो दूसरा दूसरा भगवान है ये इर्द गिर्द भगवान है सो अनन्न्यस जाय की मत न टे हनुमंत मैं सेवक शुरुआत यहां से मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी या रूप राशि भगवंत मैं अकेला सेवक और चारों तरफ भगवान उच्च कोटि के साधक के जीने का ढंग ये है आज के जीने का ढंग है मैं भगवान बाकी सब गड़बड़ ये बेवकूफ है गुरु भी इतने योग्य नहीं जितना मैं हूं गुरु से ज्यादा पढ़ा हूं यद्यपि एक बार ये बात मैंने भी कही पर श्रद्धा से कही मेरे गुरुदेव पढ़े नहीं थे तो ये बात मेरे को अश्रद्धा से नहीं निकली ये निकली कि देखो पढ़े नहीं थे पर हमसे ज्यादा उनकी निष्ठा पहुंच ये खुशी हुई हम लोग इतना श्लोक रटे पर बात नहीं बनती तो पढ़ाई में थोड़ी शर्म आवे लेकिन आज पढ़ाई की अकड़ इतनी कि कबीर उतना पढ़े नहीं गुरु नानक देव इतना पढ़े नहीं और लाखों लाखों गुरु जो इतना पढ़े नहीं थे पर उन पर आज पीएचडी करना पड़ेगा उनको समझना मुश्किल है क्यों उनका जीवन ही साधनामय था जो चीज पढ़ के नहीं जानी वो चित्त शुद्धि से समझ आ गई सब में शिया राम राम चित्त शुद्ध नहीं है शिया राम नहीं समझ आएगा इसीलिए कबीर साहब ने ये भी कह दिया पोथी पढ़ी पढ़ी जगम हुआ पंडित हुआ न कोई ढाई आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो तो आज का सार ये है कि हम आचार्य नहीं है हम गुरु नहीं है हम गुरु के लायक नहीं है हाँ ये कह सकते हैं हमें अपने ज्ञान पर संतोष है पर ये तो किसी कारण हो गया तुम्हें कैसे होगा इतना हमको नहीं आता तुम्हें क्या बताएं ये हमें नहीं आता तुम किस लायक हो ये नहीं आता या तो तुम बता दो कई पहले भी ऐसे साधक थे वेदांत पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं ये मुझे नहीं सुनना पहले मुझे शगुण दर्शन चाहिए पहले मैं साकार दर्शन चाहता हूं भगवान के फिर मैं आपका निर्गुण भी सुन लूंगा कई कह सकते हैं कि पहले मैं इनको देख देख के जलता हूं कोई उपाय बताओ इनसे कैसे बचूं काम से क्रोध से लोभ से ईर्षा से कोई रास्ता बताओ तो पहले श्रेष्ठ पुरुषों का उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरा निबोधत धारा निशिता दुर ये दुर्गम पथ है कवियों ने इस पथ को दुर्गम कहा है आसानी से नहीं अब कोई चीज पढ़ लो बात खत्म अब हमको युधिष्ठिर की तरह की बात है जब पांडव पढ़ने गए थे गुरुजी पढ़ा रहे थे सत्य बोलो झूठ नहीं बोलो क्रोध नहीं करो ये पढ़ाया गया सुबह दूसरे दिन पूछा किसको किसको कल का याद है तो अधिकतर ने हाथ उठा दिया क्योंकि इतना याद होने में कोई कठिनाई थी युधिष्ठिर ने हाथ नहीं उठाया नहीं उठाया सत्य बोलो कितना कठिन है ये कैसे याद रहे तुम ब्रह्म हो ये ये शब्द तो याद हो गए तुम ब्रह्म हो ये याद रहता है ले भूल जाते हो ना मैं निर्विकार हूं संसार नहीं प्रभु ही है ये याद रखना कोई आसान ऐसे ही सत्य बोलो क्रोध नहीं करो युधिष्ठिर ने हाथ नहीं उठाया दूसरे दिन फिर पूछा फिर नहीं उठाया तो गुरुजी ने थप्पड़ मार दिया डांटा फिर क्रोध नहीं आया, याद रहा कि क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना तो कहते आज लगा कि याद रहा याद हो गया क्रोध नहीं करो झूठ नहीं बोलो वो याद रहा देखो भगवान बुलवाते हैं फिर भी नहीं बोल रहे अश्वत्थाम बोल रहे तो भगवान ने छल से कि अश्वत्थामा मरा इसमें झूठे क्या कहे हाँ ये तो झूठ नहीं कहे इतना बोलो क्योंकि अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा योद्धा का भी नाम था अश्वत्थामा मर गया ये इसमें तो झूठ नहीं है कहा इसमें तो नहीं है बाकी आदमी की हाथी ये तो कोई पूछे ही नहीं रहा जब कोई पूछे तब सफाई देना इतना तो कहो अश्वत्थामा मर गया है जब कोई पूछे अश्वत्थामा थामा योद्धा मारा कि हाथी मरा पूछे तो बता देना तो पहले इतना बोला और जब तक कोई बात चले प्रश्न उठे आगे बताएं उन्होंने शंख बजा दिया गुरु मंत्र देते समय भी इसीलिए लोग शंख बजाते हैं कि और कोई सुना ही नहीं चाहे कुछ बता दो चेले को पड़ोसी को पता ही ना चले तो आ, आप अपने को क्या समझते हैं देह अब देह समझते हो तो तुम्हारा दायित्व तो क्या है जब देह हो तो दायित्व तो क्या है तुम मन हो तो क्या करो मानसिक तप है दैहिक तप है शरीर शुद्धि भी है चित्त शुद्धि भी है जब शरीर के तल पर हो तो स्नान करना अपने बड़ों को नमस्कार करना ये स्थूल शरीर के सेवा करना ये भी शरीर के स्तर पर मन के स्तर पर सामने वाले को श्रेष्ठ समझना पूज्य मानना गुरु को आराध्यों को देवी देवताओं को पूज्य मानना ये नहीं अरे ये सब ऐसे ना, अपने गुरु में श्रद्धा करना इस तरह से शरीर के तल पर वाणी के तल पर झूठ नहीं बोलना कड़वा नहीं बोलना मन के तल पर क्रोध नहीं करना ईर्षा नहीं करना इस तरह से और यदि ये, ये होगा तो वेदांत समझ में भी आ जाएगा और वेदांत प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और जब ये चित्त बिल्कुल सही हो जाए तो वो बात फिर लागू होगी कि सब जगह नहीं देखना है ध्यान में देखना फिर ध्यान दो ध्यान में ब्रह्म देखना चिंतन में ब्रह्म ही ब्रह्म, ही ब्रह्म देखना जब सामने वाला तुम्हारे घर पर कब्जा करे तब ब्रह्म नहीं देखना तब कोर्ट जाना पुलिस को रिपोर्ट करना वो व्यवहारिक है अब तुम चाहते हो कि पाकिस्तान हमला करे हम उसके लिए स्तुति करें कई लोग हमसे भी कहते हैं आप इतने बड़े महात्मा होकर राम मंदिर की बात करते हो ता इतने बड़े महात्मा होके मंदिर तोड़वा के मस्जिद की बात करें क्या चाहते हो आप क्या ये उचित समझते हो तो ज्ञानी आदमी संतुलित हो जाता है भावावेश में नहीं होता अपने चित्त को पवित्र रखने के लिए वह ब्रह्म चिंतन करता है शैतानों को शैतानी करने के छूट देने के लिए ब्रह्म चिंतन नहीं करता दोनों में बड़ा फर्क है इसलिए इस प्रातः काल की हा ब्रह्म वेला इसको ब्रह्म वेला बोलते हैं अमृत वेला बोलते हैं ये ब्रह्म चिंतन की वेला है सुबह उठो पहले ब्रह्म चिंतन करो सो तो ब्रह्म चिंतन करके सृष्टि माया मात्र है एक चिन्ह मात्र सत्य तुम हो ऐसा सारे राग द्वेष मन के हटाकर जो दिन में काम काज से आए थे जो दिन भर से हाँ मैल वैल लगा नहा धोके विदेशी लोग शाम को नहा धो के विदेशी शाम को नहाते भारतीय सुबह नहाते हैं हमारा अध्यात्म कहता है सुबह शाम दोनों नहाओ पर वो नहाना नहीं जो मैं कहता हूं सुबह उठकर हाँ कोई सुबह उठे हो दुनिया में प्रवेश के पहले स्त्री पुरुष दुकान धंधा देश और सब बातों के पहले तुम कौन हो ये याद कर लो यदि सुबह सुबह तुम आत्मा ब्रह्म शुद्ध राग द्वेष रहित आत्मा हो अलिप्त हो फिर तुम व्यवहार में जाओगे तो उतना ही विकार आएगा जितना सामने वाला विकार को मजबूर करेगा तुम बिना मतलब नहीं लड़ोगे तुम ब्रह्म होकर जब व्यवहार में जाओगे इतना चित्त शुद्ध है तो सामने वाला जब बेहुदापन करेगा तो थोड़ा बहुत फिर तैयार कर लोगे बिना मतलब देख देख के नहीं जलोगे बिना मतलब ईर्षा नहीं करोगे बिना मतलब किसी स्त्री के प्रति निगाह खराब नहीं करोगे जब सामने वाला गड़बड़ करेगा तो थोड़ी सावधानी की जरूरत पड़ेगी इसलिए हनुमान की तरह जिन मोहि मारा मैंने शुरुआत नहीं की मैं तो राम का भक्त हूं मैं आध्यात्मिक हूं मेरे बल है मैं नपुंसक नहीं हूं हिजड़ा नहीं हूं निर्बल नहीं हूं लेकिन ब्रह्म जानते हुए बलवान हूं अब सामने वाला कुछ करेगा तो मैं कोई चीटी तो नहीं हूं कि मेरे को रगड़ देवे यदि मेरे पास दम न होती तो ज्ञान रहता रगड़ता रहता मारते मार देवे हनुमान कहते हैं जिनमो मारा तीन में मारा ऐसा ही भी नहीं तो सामने वाले ने मजबूर किया मैंने दुश्मन मानकर के शुरुआत नहीं की उसने दुश्मनी का व्यवहार किया मैं किसी मजहब का इर्साल नहीं हूं उसने हमारा मंदिर तोड़ा शुरुआत वो कर रहा है सवाल यह है कि कोई जब गड़बड़ करेगा तो ज्ञानी के अंदर भी होना अपनी ओर से शुरुआत नहीं हमें पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना चाहिए अपनी ओर से पर वो वो यदि अपने आतंकवादी भेजे तो उनको फांसी भी नहीं देना चाहिए उनसे कहना चाहिए अब इस बार विधानसभा में भी कर दो चार मंदिरों के किया है और जगह भी कर करते जाने का मौका देते जाना चाहिए इसलिए ज्ञानी बेवकूफ नहीं होता अतुलित बल धामम स्वर्ण शैला भेहम धनुजन कृषाणु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बनराणाम अधीशम रघुवर प्रिय भक्तम बात जातम नमा भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए हनुमान जैसा हनुमान जैसा भक्त कोई स्वार्थ नहीं कोई अपने लिए नहीं फिर भी राम का भक्त बुद्धिमान है राम के काम करता रहता है अभी हम अपने काम काज में लगे रहते हैं अपनी कामना अपनी कामना अपना स्वार्थ अपना चित्ता शुद्ध नहीं मेरा चित्ता शुद्ध नहीं है हनुमान जी ईर्सालु नहीं है हनुमान जी की ओर से कोई नहीं कि वो दुश्मन देख देख के लड़ते फिरते पहले से दुश्मन नहीं मान रहे जो दुश्मनी कर रहा है कई बार हम पहले किसी ने शिकायत कर दी उसी के द्वारा तुम्हें देखते हैं भरे बैठे हैं अभी हम शिकायत से प्रभावित नहीं, तुम अभी अभी गड़बड़ कर रहे हो अभी मैं देख रहा हूं किसी की शिकायत के कारण तुमसे नहीं लड़ रहा अभी तुमने गड़बड़ की राक्षसों को बुरा मानकर नहीं लड़ने लगे शिकायतें तो बहुत थी पर हनुमान जी उस शिकायत के आधार पर नहीं लड़ते जब वो पकड़ता है गड़बड़ करता है तो कहते अब मैं क्या करूं कोई सुन के नहीं किसी के कहने से मैं नहीं कई बार घर में बहुएं सासें किसी के कहे सुने हम कह रहे अभी अभी ये मुझे ये बोला ऐसे तो दोनों में बड़ा फर्क है तो सामने वाला क्या करता है उसके अनुसार फिर ज्ञानी सोचता है अपनी ओर से उसके लिए न संसार है न हिंदू है न मुसलमान है न मेरा न तेरा वो तत्व चिंतन करता है तो ध्यान काल में ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ी देर के लिए कोई दुनिया नहीं कोई देह नहीं कोई मतलब नहीं कोई संस्कार नहीं एक चिन्ह मात्र सत्ता का ध्यान करो ब्रह्म वेदम सर्व ऐसा और जब आ, सोने के अलावा कुछ नहीं है जब खरीदना हो सोना रखो सोना समझ कर जब बेचना हो कुछ और काम करना हो पहनना हो तब देखो फिर टार्च लगा के देखो ये नथनी है कि अरंग है कि कहाँ पहनने वाला है गले वाला है वो ये देखना तो व्यवहार परमार्थ दोनों का चिंतन करो अब आप आंख बंद करो सोने में नाप की इंद्रियां थी नाप का मन था आज मेरे मन में भी आया कि निद्रा कारण शरीर नहीं है अज्ञान जरूर एक निद्रा है निद्रा अज्ञान नहीं है यदि निद्रा अज्ञान है तो ज्ञानी का अज्ञान फिर रोज आता है दूसरा यदि निद्रा अज्ञान है तो रोज निद्रा निवृत्त होती है हर आदमी ज्ञानी हो जाता है तो निद्रा की निवृत्ति ज्ञान नहीं है और निद्रा का आ जाना अज्ञान नहीं है परमात्मा का अज्ञान ही वास्तविक निद्रा है तुम व्यापक हो चैतन्य हो यह ज्ञान न होना ये, ये अनुभव न होना यह स्मरण न आना यही अज्ञान है और ये ज्ञान हो गया फिर ठाठ से सो इसीलिए ये हिंदू के ग्रंथ बड़े विचित्र हैं एक श्लोक में एक शब्द आता है निद्रा समाधि स्थिति निद्रा समाधि है ज्ञान के बाद निद्रा ज्ञानी की निद्रा भी समाधि है और सुबह से शाम तक ये काम काज संभो तवार आर्धनम ये तेरी पूजा है खाना पीना नहाना धोना कपड़े धोना बाजार करना ये शिव की पूजा है उस परम तत्व की पूजा है तो देखो ज्ञानी के सभी कर्म पूजा हैं और तभी कहते चलूं फिरूं सोई पै कर्म चलता फिरता हूं ये तो भगवान ही के इर्द गिर्द घूम रहा हूं परिक्रमा है तीर्थ यात्रा भगवान देखकर जहां जाते हो तीर्थ यात्रा हो जाती है। तो ज्ञानी का व्यवहार पूजा है तीर्थ यात्रा है परिक्रमा है और ज्ञानी की निद्रा समाधि है जहां जगत नहीं रहता उसे समाधि कहते हो पर आम आदमी कहेंगे हम सो गए थे समाधि हमारी नहीं होती ज्ञानी कहता है मैं आत्मा तो था ही जगत की प्रतीति खो गई इसलिए मेरी निद्रा भी समाधि है सच्चाई है अज्ञानी हो नहीं आत्मा हो नींद में जगत की प्रतीति नहीं रही तो समाधि नहीं है और क्या है और उतनी देर तक कोई हानि लाभ का स्मरण नहीं रहा कि ये तो न हो जाएगा मर तो न जाएंगे नरक तो न जाएंगे ये सभी कल्पनाएं निरस्त हो गई ज्ञान से इसलिए निद्रा समाधि है अब आप चैतन्य आत्मा हो जगत प्रतीत हो तो होने दो क्यों क्योंकि वो जगत नहीं है परमात्मा ही उस रूप में जगदाकार होकर माया के द्वारा पदार्थाकार होकर वह पर ब्रह्म ही सर्व रूप हो गया है इसलिए पदार्थ ख्याल में आए तो उन्हें भगवान समझो चेतन समझो आत्मा समझो ब्रह्म ही समझो और कल्पना कोई न उठे तो आत्मा चैतन्य निर्विकल्प है मन से डरो मत जाता क्यों है ये दिखता क्यों है दिखने दो दृष्टि दृष्टि तत्व तो की रखो गहना दिखाई पड़े तुरंत ही सावधान रहो देख लो सोना है कोई गहने का रूप ख्याल में आए तुरंत पूछो ये क्या है सोना नहीं है बस तो गहन की गहने की दृष्टि गई सोने की दृष्टि हो गई बर्तन की दृष्टि गई मिट्टी की दृष्टि हो गई लहर को मिटाया नहीं लहर ख्याल में आई दूसरे सेकंड में इधर लहर प्रतिबोध विदितम प्रतिबोध विदिता लहर दिखी लहर लगी तुरंत लगा पानी है ऐसे ही मन ब्रह्मा है इंद्रियां ब्रह्मा है जो दिखाई जो देता है सब ब्रह्म है ब्रह्म सुनिए ब्रह्म देखिए और कुछ नहीं सब कुछ परमात्मा सब गोविंद है आज ध्यान में सब गोविंद है आंख गोविंद कान गोविंद हाथ गोविंद जो जमीन गोविंद पृथ्वी पेड़ पहाड़ सब प्रभु ही माया से कैसे कैसे रूप बनावे समरिया मोरो नए नए रूप बनावे मेरा कृष्ण अनेक रूप बनाता है मेरा गोविंद नाम रूपों में खड़ा हो जाता है ध्यान में मन कौन है तू ही तो मन बन गया तू ही मन को नींद में ले जाता है तू ही मन बन जाता है तू ही स्वप्न बन जाता है घबराता क्यों है तू जान ये चेतन आत्मा ब्रह्म ही सर्वरूप हो जाता है अब श्वास लेते रहे हाँ, लेते रहे छोड़ते रहे लेते रहें छोड़ते रहें जरा सा एकाग्रता के लिए और सोचने का मौका मैं कौन हूं यह क्या है आज तक कहते रहे ये जगत है आ, हमारे गुरुओं ने इसे मृग तृष्णा माया जाल कहा और हमारे गुरुओं ने यह भी कहा क्या कहा यह सब परमात्मा है परमात्मा है सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई और पहले जो जगत देखते थे अब ज्ञानी को परमात्मा दिखा जो दिखाई पड़ा आ, दिखाई पड़ा परमात्मा केवल रोशनी परमात्मा है नहीं आदत पड़ी है इसलिए जैसे रोशनी को परमात्मा देख लिया शब्द को मंत्र मान लिया ऐसे ही जो दिखाई देता है सब परमात्मा है सर्वत्र मन को छुट्टा छोड़ दो सावधान रहो यह परमात्मा देखो परमात्मा मानो परमात्मा जानो जानने में ही गड़बड़ हो जाती है बहुत अच्छे बुद्धि को सावधान रखना समझ को सतर्क रखना समझ पहले की तरह देखेगी तुम आज के अनुसार देखो वाणी के अनुसार देखो उपनिषद के अनुसार देखो ब्रह्म वेदम सर्वम इस समय इस मंत्र का ख्याल रखो श्रिया राम मय एक चैतन्य ही जो सर्वाधिष्ठान है सभी अध्यस्त रूपों में सभी अधस्त रूपों में अधिष्ठान ही विद्यमान है ये जड़ात्मक चिदात्मक जीव और जगत जो है सकल राममय जान सब्रमय है जड़ और चेतन जीव और जगत दृष्टा और दृश्य एक ही चैतन्य गुण से दृष्टा तमोगुण से दृश्य और रजोगुण से दृष्टि बन गया है दृष्टा दृष्टि दृश्य द्रस्ट। दृष्टा दृष्टि दृश्य द्रस्ट। दृष्टा दर्शन दृश्य ध्याता ध्यान धे सब गोविंद है ध्याता भी वही ध्यान भी वही धे भी वही देखने वाला वही देखने के उपकरण वही दिखाई देने वाला भी वही मान लो यदि मंदिर में ये भगवान है मान सकते हो यह तीर्थ है मान सकते हो तो आज उपनिषद और गुरुओं की बाणी के अनुसार ये मान लो कि दृष्टा ही दृश्य ही दर्शन तु ही मैं तु ही यह ही वह तु ही तु ही वह है तू ही यह है तू ही मैं है तू ही तो मैं बन के बैठ गया तो ही संग समाई, तेरे में तू होकर उसमें वह होकर इसमें यह होकर शब में शब होकर वही विराजमान है और आनंद में डूब जाओ ज्यादा ये हो जाए वो हो जाए नहीं भगवान करें भगवत दृष्टि हो जाए भगवान कृपा करें कि भगवान मैं ब्रह्म, मै ब्रह्म, ब्रह्म मैं नजर बन जाए वृत्तिम ब्रह्ममयीम कृत् पश्चेद्रह्ममय जगत ब्रह्म दृष्टि करके ब्रह्म देखो अभी आप इन आंखों से इस मन से प्रकृत मन से प्राकृतिक मन से प्राकृतिक इंद्रियों से प्राकृतिक जगत देखते हो उपनिषद की नजर से उपनिषद की नजर से उपनिषद के प्रतिपाद्य को जगत में देखो यहां और वहां का जो विभाग है मुदा भेद यद्यपि माया यद्यपि यह भेद झूठा है मैं का यह का वह का दृष्टा और दृश्य का भेद जड़ चेतन का भेद यद्यपि माया के कारण है नहीं कहा जड़ चेतन दो हैं, एक ही है वही जड़ वही चेतन जड़ चेतन जितना भी जगत है सकल राम मै जान सबको राम मैं जानो सबको ब्रह्म जानो बहुत अच्छे आपके ध्यान में जब भी कोई आए तो तुम इधर हो ये जो मैं मैं करके कर रहा है ये भगवान ही तुम्हारा मैं बन के भगवान ही तुम्हारा मैं बन गया है भगवान ही तुम्हारा यह बन गया है भगवान ही तुम्हारी इंद्रियां बन गया है भगवान बड़े चमत्कारी हैं योगी हैं बड़े बनना जानते हैं भगवान ने कहा मैं तुझे अपना योग का चमत्कार दिखाता हूं ये जितना है तुझे। तुझे तुझे। तुझे तुझे भगवान का ही चमत्कार अकेला होता है तो तू अकेला पर अनेक खेल खेला है ये सोच बदलो नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए बहुत अच्छे इस निष्ठा का अंतिम एक मिनट मौन शांत रहते हुए आ, सहज रहते हुए सब कुछ होने दें और होने में जो हो रहा है जिसको दिख रहा है ये दो नहीं है लगते हैं मैं यह दृष्टा दर्शन दर्शिका भेद इसलिए द्वैतमी वो भवति माया से तद इतर इतरम पश्यति इतर उतरम बिजाना इतर इतरम सुणोती यद अद्वैतमी वो भवती तद केन कम पश्यत केन कम जिग्रेत केन कम बीजानियात कौन किसे जाने एक ही, एक ही है एक ही है एक ही है और कुछ नहीं देखना दिखाई देने का ख्याल छोड़ जानना जानने में आने का द्वैत छोड़ द्वैत बुद्धि का त्याग कर एक में द्वितीय ब्राह्म, इसी के साथ अभी समाप्त करते हैं ओम